लगातार आपको मैंने तस्वीरें दिखाई, खटकर टोल प्लाजा की तस्वीरें दिखाई। लगातार अपने अपने तरीके से जो किसान है वो दिल्ली की तरफ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ में चांदीराम खटकर जी हैं, किसान हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या चांदीराम जी, लगातार दिल्ली की तरफ किसान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, काफी दिन हो चुके हैं, आज 37वां दिन किसानों का चल रहा है, और क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, ये तो आप देख रहे हो, ये जन आंदोलन हो चुका है, ये किसानों किसानों का निराश, ये सभी किसान से संबंधित जो भी अन्न खाने वाला है सभी ने इसके अंदर आना पड़ेगा, जो भी अन्न खाता है प्राणी उसको आना पड़ेगा। और मैं सिंधु बॉर्डर हो गया हूँ, 2-3 दिन लगा गया है सिंधु बॉर्डर पे, वहाँ बिल्कुल तामझाम पूरा जमा दिया है। ये साल चलो 2 साल चलो, सरकार ने तीनों काले कानून हैं जो हर हालत में वापिस लेने पड़ेंगे। मैं बहुत बड़ी आशंका समझता हूँ, अगर सरकार ने तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो देश का बहुत भारी नुकसान होने की आशंका है जी। मेरी आपके माध्यम से सरकार से नम्र निवेदन है कि वहाँ बहुत भारी भीड़ हो चुकी है। सरकार के साथ किसानों की काफ़ी बार मीटिंग हो चुकी है, किसान नेताओं की मीटिंग हो चुकी है, फिर भी कोई उसका निर्णय नहीं निकला। ऐसा है जी, ये पराली वाला बिजली वाला, ये दो हड़के फुड़के कानून जो थे वो ले गए, नहीं सोचे जी वे मना ले, वे मेन कानून तो हमारे रह रहे हैं, जो कानून हमारे पेंडिंग है वो उनको सारे की जो किसानों की मांग है वो मान लेगा, देश खुशहाल रहेगा और किसानी पे टिकी हुई देश की अर्थव्यवस्था है जी। हमारी तो यही है भाई, ये तीनों काले कानून जो लियाई है सरकार ये वापिस ले जल्दी से जल्दी जी। किसान अपने गांव में जाएंगे, खेत में जाएंगे, अपना काम धंधा संभालेंगे, जो कितने शहीद हो चुके हैं हमारे किसान, और भी ज़्यादा नुकसान होने की आशंका समझता हूँ मैं। बॉर्डर पर हमारे भाई हैं, हम खेत में काम करते हैं और बॉर्डर पे हमारे भाई पहरा दे रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा काम तो किसान कर रहे हैं जी, और किसान पे ही अर्थव्यवस्था टिकी हुई जी, इंडिया की इकोनॉमी जो। मेरी तो आपके माध्यम से नम्र निवेदन है जी, हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन है सरकार से, बार बार गुजारिश है जी, जो हमारे संगठन के नेता है भाई, उनका मान सम्मान के साथ अपने उनकी मांगों को जो जायज सारी मांगे मान ले जी। धन्यवाद। हमारे साथ में चांदीराम खटकर जी थे, किसान हैं, काफ़ी अच्छा है कि इनका कहना है, और इन्होंने सरकार से निवेदन भी किया है कि जो सरकार ये कानून लेकर के आई है वो वापस ले ले, नहीं तो आगे चल के ये जन आंदोलन नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन भी बन सकता है, क्योंकि काफ़ी दिन किसानों को लगातार दिल्ली में हो चुके हैं, आज आंदोलन का 37वां दिन है, और आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, खटकर टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं, और आप लगातार जुड़े रहिए नवराष्ट्र भारत के साथ। मैं सनीनाथ, नवराष्ट्र भारत, धन्यवाद।